Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. So जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने YouTube पे जो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो जून 2020 में HP TET का एग्जाम हुआ था, उसमें जो आपका नॉन मेडिकल का पेपर रहा था, आज उसके साइकोलॉजी सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगी आपको ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से क्या उसके राइट आंसर्स रहते हैं. ओके, सो क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स HP TET कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका नॉन मेडिकल का एग्जाम है, तो उनके लिए सेकेंड ऑनलाइन बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है. आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है. सो जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं. इसी के साथ साथ जो दूसरा बैच स्टार्ट हुआ है वो है आपका HP TET कमीशन आर्ट्स का बैच. ये आपका 5th ऑनलाइन बैच है. ये भी आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है. सो जिन भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड करके अपना बैच परचेज कर सकते हैं, या आप ये जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है इस पे कॉन्टैक्ट करके भी आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं. सो क्वेश्चंस पे आते हैं. जैसे कि आपको बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका नॉन मेडिकल का पेपर रहा था जून 2020 में, उसका जो CDP सेक्शन आपका रहा था 30 मार्क्स का, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहे थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके क्वेश्चंस रहते हैं, क्या कौन सी इसकी थ्योरीज इसमें आई हैं, कहाँ से इसके क्वेश्चंस आए हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, पैडागोजी से कितने क्वेश्चंस आए हैं, बाकी जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनके बारे में आपको हर बार बताती हूँ वहाँ से कितने क्वेश्चंस इसमें रहे थे, तो वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में. अब डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से, जो आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो क्या कहती है, क्या जो सिद्धांत है वो क्या कहता है. ऑप्शंस हैं आपके, इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स, इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पैडागोजी. ऑप्शन डी है, पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल. तो जो आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है जो आपकी दी है हार्वर्ड गार्डनर ने, जिसमें उन्होंने आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने आपकी लर्निंग के हिसाब से उन्होंने करियर पाथ्स में डिवाइड किया है आपकी लर्निंग को, और उन्होंने कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स ये आप जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है तो वो आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स में अच्छा है, उसकी कैलकुलेशंस अच्छी है, वो तो उन्होंने उसे करियर पाथ्स दिए हैं कि जिनकी मैथमेटिक्स अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छी है, वो मैथमेटिशियंस बन सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं. इस तरह के डिपार्टमेंट्स क्या हैं कि उन्होंने डिवाइड किए हैं. ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन और आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स. यस, डेफिनेटली जो मल्टीपल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया कि हार्वर्ड गार्डनर ने इसके बारे में बताया, तो उन्होंने सेवरल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में इसमें बात किया. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन. तो आपने बताना है कि इसमें से एक भावना है, कौन सी है, इमोशंस कौन सा है, मेमोरी है, फेयर है, अटेंशन है या स्टिमुलस है. ये ऑप्शंस हैं और आज जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका फेयर. ठीक है, जो फेयर है, जो डर है, आप इसको कह सकते हैं वो आपका क्या है, एक इमोशन है. तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. हु गेव सोशल लर्निंग थ्योरी, जो आपकी सामाजिक शिक्षण सिद्धांत है वो किसने दिया है. ऑप्शन है स्किनर, प्याजे, ब्रूनर या अल्बर्ट बंडूरा, ये आपके ऑप्शन हैं और जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा. कैसे, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, मैंने आपको इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने आपको डिटेल में सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बताया था कि जो बंडूरा थे उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था. तो आपको मैं एक बार बता दूं कि उन्होंने बोबो डॉल पे उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो बच्चा है वो किससे सीखता है, ऑब्जर्वेशन से सीखता है, दूसरों के व्यवहार से सीखता है, चाहे आप उसको नेगेटिव में समझ लें या उसको पॉजिटिव में. कई बार बच्चा पुनिशमेंट में उसको समझ लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें बता दूँ, जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, छोटी क्लास, बच्चे हैं छोटी क्लास में और एक टीचर है,
क्लास में बच्चे शोर करते हैं और एकदम से टीचर क्लास में एंटर करता है और किसी एक बच्चे को चांटा लगा देता है। अब एक बच्चे को चांटा लगा पर पूरी क्लास चुप हो गई, ठीक है। तो उस बच्चे ने ऑब्जर्वेशन से क्या सीखा कि अगर मैं शोर करूंगा तो मुझे भी अगली बार चांटा लग सकता है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, चुप। ये नेचुरली है, हम भी मतलब जब स्कूल एज में तो ये हमने कई बार देखा है, राइट। तो आपका जो अभी क्वेश्चन पे आते हैं, तो राइट आंसर जो आपके सोशल लर्निंग थ्योरी है जिन्होंने दी है वो है आपके अल्बर्ट बंडूरा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू मैस्लो डैश नीड्स आर टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट। मैस्लो ने जो आपकी हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिया है जिसमें वो बात करते हैं, जिसमें उन्होंने व्यक्ति की नीड्स को डिवाइड किया है, तो उन्होंने क्वेश्चन में है कि जो मैस्लो की नीड्स हैं उसमें फर्स्ट फर्स्ट फुलफिल कौन सी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी, एस्टीम, फिजियोलॉजिकल या आपकी सोशल, ये आपके ऑप्शंस हैं। और जब का राइट आंसर है वो हो जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स। इस तरह से उन्होंने अपने एक स्ट्रक्चर दिया जिसमें उन्होंने नीड्स को फाइव उसमें डिवाइड किया है, राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट में वो कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। सेकंड में वो कहते हैं आपकी सेफ्टी नीड्स, कि हाँ व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए सेफ्टी नीड्स भी जरूरी, लाइक मकान होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, इस तरह से उनकी आप कह सकते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ गई, ठीक है। उसके बाद आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस जिसमें आपकी आ जाती है, जैसे हाँ व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए सोसाइटी में भी रिलेशंस बनाना जरूरी है, अपने मतलब सोसाइटी में अच्छा रिलेशंस हो, लोग प्रेम भाव के साथ रहे, तो एक व्यक्ति को उस चीज की भी जरूरत रहती है। उसके बाद आपकी एस्टीम नीड्स आ जाती है, ओके। एस्टीम नीड्स के बाद आपकी आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये आपका क्वेश्चन रहा है मैस्लो की थ्योरी से। उससे पहले क्वेश्चन जो आपके रहे हैं वो आपके आपके चाइल्ड साइकोलॉजी से रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हाँ इंक्लूसिव से क्वेश्चन आए हैं या आपके पेडागोजी से कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो फर्स्ट आप कह सकते हैं नीड है व्यक्ति की वो रहेगी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अभी तक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये आया था आपका सोशल लर्निंग थ्योरी से, थ्योरी से आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था। इसके पहले आया था हमारे इमोशन से, यानी ये आपके मोटिवेशन से आया था, और ये भी आपका थ्योरी से, यानी थ्योरी से आपके ये था आपका ये सेकंड क्वेश्चन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था थ्योरी से, राइट, ओके। सो नेक्स्ट पे आते हैं, करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट आईक्यू इज। तो आईक्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारा करेक्ट फॉर्मूला क्या रहता है, तो ये है आपका सी ए अपॉन एम ए मल्टीप्लाई बाय 100, एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई बाय 100, एम ए अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका सी ए अपॉन आपका एम ए, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। और जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने आईक्यू को, तो वो होता है आपका क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मल्टीपल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए की सही, यानी मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, फॉर्मूला को किसी क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था इसके बाद, यानी जो हमने सॉल्व किया उसमें दिए हुआ था कि एक बच्चे की एज जो है क्रोनोलॉजिकल एज इतनी है और आपको निकालनी है उसकी मेंटल एज, तो ये फॉर्मूला लगा के उसका आंसर आ जाता है। बट क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको पूछ लिया कि आई क्यू का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो ये आपका आईक्यू से यानी इंटेलिजेंस से आपका ये क्वेश्चन रहा है। इंटेलिजेंस से भी आपका एक से दो क्वेश्चंस रहते ही हैं हर बार के पेपर, जब जो हमने डिस्कस किए हैं आज तक वहां पे आपके एक से दो क्वेश्चंस रहे हैं, चाहे इंटेलिजेंस की थ्योरी से पूछ लिया हो, चाहे इंटेलिजेंस के कंसेप्ट से पूछ लिया हो। और हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो किसने प्रतिपादित की है, तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन है आपकी स्किनर, गेस्टार, पैवलोव या आपकी थोर्नडाइक। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका थोर्नडाइक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जिसकी थोर्नडाइक बात करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
और ये थी आपके फोर्थ से फिफ्थ क्वेश्चन आपके थ्योरी से। तो थ्योरीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि थ्योरीज से अगर आप थ्योरीज अच्छे से कर लेते हैं और आप इंक्लूसिव अच्छे से कर लेते हैं, पैडागोजी अच्छे से कर लेते हैं, तो इजीली आप पेपर क्लियर कर लेते हैं। पैडागोजी में जैसे आप मैथड्स को अच्छे से कर लीजिए, मैथड्स को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके मैथड्स से ही एक से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। मैथड्स में जैसे मैं आपको बता दूं, आपका ऑब्जर्वेशन मैथड, ठीक है, उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, आपका केस स्टडी मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, यहाँ से आपकी क्वेश्चंस रहते ही हैं। उसके बाद और मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, क्लिनिकल मेथड आपका हो गया। तो ये सब मेथड्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पैडागोजी में, यानी सीडीपी के एग्जाम, जहां पे भी सीडीपी आएगी आपने मेथड्स अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिक्स क्वेश्चन, और सिक्स का राइट आंसर था आपका डी, यानी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने आपने ट्रायल और एरर थ्योरी की बात की है। सेवेंथ क्वेश्चन है, चाइल्ड्स टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी वातानुकूलित उत्तेजना के समान उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने की बच्चे की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? रेडीनेस, एक्विजिशन, जर्नलाइजेशन या डिस्क्रिमिनेशन, ये आपके ऑप्शन हैं। राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका जर्नलाइजेशन, सामान्यकरण जो जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया है आपकी पावलोव की जो थ्योरी है वहां से आपको ये पूछा गया है। सो थ्योरीज से इस बार इस पेपर में काफी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत क्वेश्चंस आए। ये देखो इंटेलिजेंस से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड्स सोशल कॉग्निशन इज कॉल्ड, कॉग्निशन एंड इमोशन से आपकी पैडागोजी से आपका ये क्वेश्चन रहा है। स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल कॉग्निशन इज कॉल्ड, यानी मानसिक संरचना जो सामाजिक और अन्य अनुभूति का मार्गदर्शन करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? इंप्रेशन, प्रेजुडाइस, स्कीमा या कि नन ऑफ दिस, तो क्या कहलाती है ये? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका स्कीमा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है, स्ट्रेंजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्स फर्स्ट इज, यानी सूचना की वो अजनबी भूमिका जो सबसे पहले आती है, कौन सी वो आप कह सकते हैं कौन सा रोल है जो सबसे पहले आता है, उसको कहा जाता है रिग्रेशन, प्राइमरी इफेक्ट, रिजेंसी आपकी इफेक्ट्स या नन ऑफ दिस। तो आपके ये ऑप्शंस हैं, रिग्रेशन भी नहीं है, प्राइमरी इफेक्ट्स को कह सकते हैं, रिसेंसी इफेक्ट्स भी नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्राइमरी इफेक्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर, प्राथमिक प्रभाव, ठीक है। सूचना की अजनबी भूमिका जो सबसे पहले आती है उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्रभाव। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर नाइन का। टेंथ क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी प्राइमरीली इन्वॉल्व्स, या जो आपकी रचनात्मकता है वो मुख्य रूप से शामिल है, किसमें शामिल है? लॉजिक, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग या फिर ट्रेडिशन। जो आपकी क्रिएटिविटी है वो इन्वॉल्व्स है किसमें? डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, यानी जो आपकी तीन सोच होती है जिसमें जो व्यक्ति है वो डाइवर्जेंट कह सकते हैं कि एक सोच पे ना रह के, मतलब भिन्न सोचों पर वो रहता है कि हाँ एक ही थिंकिंग पे वो नहीं, तो हम क्या कहेंगे? क्रिएटिविटी किसमें रहती है? आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग में। तो ऑप्शन नंबर है वो आपके क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, हु डेवलप्ड साइकोएनालिसिस, तो जो आपकी साइकोएनालिसिस की थ्योरी है मनोविश्लेषणवाद जिसको आप कहते हैं, उसका विकास किसने किया था? ऑप्शंस हैं जॉन बी वॉटसन, बिने, सिगमंड फ्रॉयड या कार्ल रोजर्स, ये आपके ऑप्शंस हैं। और जो आपको राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने आपकी किसकी बात की? साइकोएनालिसिस थ्योरी जो थी उसमें इन्होंने कि इन्होंने क्या किया है, बात की है, और ये जो है वो इन्होंने दी है जिसमें वो क्या करते हैं, व्यक्ति के मन का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं। उसमें इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अपनी स्टेप्स दिए हैं, थ्योरीज को कैसे डिवाइड किया, तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी फिर आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं जब डिटेल में करवाऊंगी तो मैं आपको इसके बारे में पूरा करवाऊंगी, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, Which method of psychological inquiry use independent and dependent variables? तो ऐसी कौन सी मनोविज्ञान की जांच है जो कौन सी विधि है जो स्वतंत्र और आश्रित चर का उपयोग करती है? तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी कौन सी जिसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड में, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या इंटरव्यू मेथड? तो कौन से जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों रहते हैं, दोनों मेथड्स का यूज करते हैं? राइट आंसर है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो
जैसे ही ये क्वेश्चन रहा आपका कैसे पैडागोजी से, जिसमें उन्होंने मेथड्स के बारे में पूछा था, तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन आप मेथड इसमें यूज कर सकते हैं, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन आ गया, केस स्टडी, क्लिनिकल में क्लिनिकल मेथड यूज कर सकते हैं, हिस्टोरिकल मेथड आप यूज कर सकते हैं, ऐसे सारे मेथड्स हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो 12th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, ये था आपका 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच नीड इज हाइएस्ट इन हायरार्की, तो ये आपका मैस्लो से आप कह सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन है इसी पेपर, ठीक है, तो मैस्लो की थ्योरी मैं बार बार कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसका रहता ही रहता है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं आया तो ये आपके किसी काम नहीं आएगा, जब आप कमीशन की प्रिपरेशन करेंगे, यानी आप जो कमीशन की प्रिपरेशन करें उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, जो एचपी टेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करें उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एचपी टेट में नहीं आएगा तो सी टेट में आएगा, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो मैस्लो ने हाईएस्ट हायरार्की किसको कहा है, जो ह्यूमन नीड्स जिसकी रहती हैं, सेफ्टी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या एस्टीम नीड्स, तो आप, मैंने ये आपको डिटेल में पहले बता दिया, ब्रीफ में बता दिया कि सबसे पहले वाली जो आपकी रहती है वो कौन सी रहती है, उसके बाद वाली कौन सी रहती है और उसके बाद वाली कौन सी रहती है, राइट, सबसे हाईएस्ट पे जो रहती है वो रहती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसके नीचे जो आपकी फोर्थ पे रहती है वो रहती है आपकी एस्टीम नीड्स, फिर आपकी जो थर्ड पे रहती है वो रहती है आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, और सेकंड पे रहती है आपकी सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इसको अच्छे से समझ के करना है, ठीक है, ये था आपका, यानी आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, यानी आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता जो रहती है वो किसमें रहती है, जो हाईएस्ट लेवल है ह्यूमन नीड्स का उसमें हायरार्की का जो स्ट्रक्चर दिया उसमें सबसे हाईएस्ट पे किसने कहा है, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग है आपके मैस्लो के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 14th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दीज इज नो टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, अच्छा अब आप क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी आपकी दीर्घकालीन स्मृति का प्रकार नहीं है, कौन सा टाइप नहीं है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी का, ऑप्शन है डिक्लेरेटिव मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी या सिमेंटिक मेमोरी, ये आपके ऑप्शंस हैं और आपको बताना है लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो टाइप नहीं है, तो डिक्लेरेटिव मेमोरी भी इसका टाइप है, एपिसोडिक मेमोरी भी इसका टाइप है, सिमेंटिक मेमोरी भी इसका टाइप है, तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका वर्किंग मेमोरी, ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका वर्किंग मेमोरी, ये आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट नहीं। ये था 14th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट इज गिवन बाय हूम, तो जो आपकी रीइंफोर्समेंट की थ्योरी है जिसको सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत कहते हैं वो किसके प्रतिपादित किया गया है, कोहलर, पावलोव, स्किनर, थॉर्नटन, ये वही थ्योरीज हैं जो बार बार आपको ऑप्शंस में भी आती हैं और यही आपके क्वेश्चंस में भी आती हैं, तो ये जो थ्योरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप क्वेश्चन में कि रीइंफोर्समेंट की जो थ्योरी है वो किसने दी है, कोहलर, पावलोव, स्किनर या आपकी थॉर्नडाइक, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्किनर, जिसमें वो आप अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं उसी में उन्होंने थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट की भी बात की है, ठीक है, ये था आपका 5th क्वेश्चन। बाकी बाकी के बारे में जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि कोहलर की आपकी थ्योरी थी इनसाइड इनसाइड थ्योरी, ठीक है, पावलोव की थी आपकी क्लासिक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, स्किनर की जैसे आपको एक तो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट होगी, दूसरी आपकी होगी ओपरेंट ओपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, थॉर्नडाइक की आपकी होगी ट्रायल एंड एरर, तो ये आपकी थ्योरीज रहती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चारों थ्योरीज से आपके क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं एक पेपर में, और बाकी जितने आपके चार पेपर बाकी होते हैं जैसे आपके मेडिकल में हो गया, नॉन मेडिकल में हो गया, आर्ट्स में हो गया, जेबीटी में हो गया, तो सब में ये चार इनके क्वेश्चन रहते हैं, किसी में आपके स्टेजेस पूछ लेंगे, किसी में पार्ट्स पूछ लेंगे, किसी में टाइप्स पूछ लेंगे, किसी में पूछेंगे कि थ्योरी कौन सी है, किसी में पूछ लेंगे थ्योरी का नाम दिया होगा और आपको पूछेंगे कौन से साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन रहते हैं,
तो 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका स्किनर, यानी ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म मिथ इज, तो व्यवहार के जो जनक है वो कौन है? ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉयड, विलियम जेम्स वाटसन या फिर विनय। तो कौन है बिहेवियरिज्म के आपके फादर, किसको कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाटसन। ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहेवियरिज्म के, इससे आपको क्वेश्चंस हर बार रहता है, हर बार इन द सेंस कि किसी ना किसी पेपर में ये आएगा ही आएगा। जरूरी नहीं है कि आर्ट्स में ही आए, मेडिकल में भी आ सकते हैं, नॉन मेडिकल, क्योंकि सीडीपी तो सबके लिए सेम है, सीडीपी के जो है वो सभी के लिए सेम है, बाकी आपका सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हो जाता है, सीडीपी और लैंग्वेज का सिलेबस सबके लिए सेम रहता है। तो 16 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका जेबी वॉटसन, जो थे आपके कौन थे, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। हु प्रोपगेटेड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, किसने आपकी प्रतिपादित की है व्यक्ति के द्विकारक सिद्धांत? अल्पोर्ट, कैटल, आइजेंक, आपके स्पेयरमैन, तो किसने की है आपके ये थ्योरी ऑफ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका स्पेयरमैन, जिसमें वो टू फैक्टर्स की बात करते हैं। टू फैक्टर्स कौन से हैं आपके? फर्स्ट फैक्टर है आपका जी फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर है आपका एस फैक्टर। जी फैक्टर डिनोट करता है आपका जनरल, और जनरल को, एंड एस फैक्टर आपका डिनोट करता है आपका स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था और इसका ये राइट आंसर था। मैंने आपको बता दिया कि टू फैक्टर्स जो थ्योरी है वो उसमें उन्होंने किस चीज की बात की है, डिटेल में मैं आपको इसके बारे में जब करवाऊंगी तभी बताऊंगी कि जी फैक्टर में क्या है। इवन इसको मैं एक बार करवा चुकी हूँ विद पिक्चर के साथ समझा के कि एस फैक्टर में रहता है, जी फैक्टर में रहता है, और ये क्वेश्चन अभी तक जो सॉल्व किया उसमें सब में रहा है, ठीक है। तो जो आपकी टू फैक्टर थ्योरी है वो दी है आपके स्पेयरमैन ने। 18th क्वेश्चन है, डिसग्राफिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी व्हिच अफेक्ट्स पर्संस, जो आपकी डिसग्राफिया है वो एक सीखने की अक्षमता है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। किस चीज में प्रभावित करती है? विजुअल एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, हियरिंग एबिलिटी, आपकी मूविंग एबिलिटी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। डिसग्राफिया के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो आपका इससे पहले पेपर सॉल्व किया था हमने आर्ट्स का पेपर, उसमें पूछा था आपको डिसकैलकुलिया, इस पेपर में आपको पूछ लिया डिसग्राफिया। तो ये जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, इंक्लूसिव का जो पार्ट रहता है आपका सीडीपी का, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि लर्निंग डिफिकल्टी से एक क्वेश्चन आता है, जिस तरह से मैं बताती हूँ कि आपको थ्योरी से क्वेश्चन रहते हैं इस थ्योरी से, तो लर्निंग डिफिकल्टी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपके सीडीपी के एग्जाम में। जहाँ सीडीपी आएगी वहां लर्निंग डिफिकल्टी से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के दौर में जब हम NEP 2020 को पढ़ते हैं, उसके बारे में हमने जो देखते हैं, तो उसमें बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। हाँ, सबके लिए एक समान एजुकेशन होनी चाहिए, तो जो लर्निंग डिफिकल्टीज है वो भी एजुकेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका एक पार्ट रहता है। तो डिसग्राफिया जो है, लर्निंग डिफिकल्टी है, वो किस पर्सन के किस चीज़ को इफेक्ट करती है, अफेक्ट करती है, वो करती है आपके राइटिंग एबिलिटीज को। अब डिसकैलकुलिया में मैंने आपको बताया था कि कैलकुलिया में आपको कैलकुलेशंस याद रखनी है, तो जब आप कैलकुलेशंस याद रखेंगे तो आप किसको याद रखेंगे, डिसकैलकुलिया को याद रखेंगे। कैलकुलेशन से क्या याद रखेंगे, आप मैथमेटिक्स को याद रखेंगे। तो डिसकैलकुलिया जो प्रॉब्लम्स रहती है व्यक्ति को, वो क्या फेस करते हैं, जिनको आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, वो उसमें आते हैं, और डिसग्राफी में वो आते हैं जिनके राइटिंग है। तो आप इसको ग्राफ से याद कर सकते हैं, ग्राफ बनाना मीन्स राइटिंग, तो ये सब आ जाएंगे राइटिंग एबिलिटीज में, ठीक है। तो ये लर्निंग डिफिकल्टीज ऐसा क्वेश्चन रहा है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज द टर्म आईक्यू फर्स्ट, जो पहली बार आईक्यू शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था? अल्पोर्ट या आपके स्टर्नबर्ग, किसने आपके सबसे पहली बार आईक्यू वर्ड का आप कह सकते हैं यूज किया था? तो वो किया था आपके टर्मन ने, ठीक है। जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था आपके बिने ने, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 19 का आईक्यू से आपका थर्ड क्वेश्चन इस बार हो, सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया इस पेपर में। तो आईक्यू का, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि दो क्वेश्चन तो रहते ही रहते, कम से कम दो क्वेश्चन रहते हैं, उससे ज्यादा भी तीन भी आ सकते हैं। तो आईक्यू का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईक्यू जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीडीपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जो मॉडर्न साइकोलॉजी आपकी आधुनिक मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है?
हैं, सिगमंड फ्रूड है, विलियम वुड्स है, आपके विलियम जेम्स हैं, ये आपके ऑप्शन है। और मॉडर्न साइकोलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, विलियम वुड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम वुड्स। क्या है आपकी आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। ये क्वेश्चन आपने मतलब आप कह रहे हैं इनको लर्न कर चुकी, याद कर लीजिए, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, वो आपके लिए सही, फिर आप इसमें कंफ्यूज हो जाए। 21st क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैथड, यानी आप निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक विधि का सबसे आवश्यक घटक है। तो आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मैथड का एक इसेंशियल कॉम्पोनेंट कौन सा है, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, मैचिंग ऑफ सब्जेक्ट, कंट्रोल कंडीशन या स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो कौन सा एक्सपेरिमेंटल मैथड का एक इसेंशियल कॉम्पोनेंट है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका कंट्रोल्ड कंडीशन, नियंत्रित स्थितियां जो है वो आपकी प्रायोगिक विधि के सबसे घटक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट, ये आपका डिस्कस हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी, यानी आपकी आप कह सकते हैं वो कौन सा ग्रुप है जो आपका लेटर चाइल्डहुड की कैटेगरी में रहता है। इसमें आपको एज दी गई है और आपको आप कह सकते ग्रुप के बारे में, कैटेगरी के बारे में बताया है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है आपको कि आपको एज दी होगी और आपको बताना होगा ये कैटेगरी में रहेगा। लाइक आपको क्वेश्चन में आ गया कि 2 से 7 साल का जो बच्चा है मान लीजिए वो कौन सी कैटेगरी में रहेगा, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, तो कौन सी कैटेगरी में वो रहेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहते हैं। आज की वीडियो में जो आज के क्वेश्चन पेपर में जो आपका क्वेश्चन रहा है वो है आपका लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी जो है वो कौन से ग्रुप में रहती है। तो 18 to 24 years, birth through 6 years, 6 to 11 years, 11 to 18 years. तो later childhood की जब हम बात करते हैं तो वो रहती है आपकी 16 to 11 years. तो ये जो development के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये development के ही आपके categories हैं, concept हैं, development में आपको divide किया है कि इस उम्र में बच्चा इस stage पे रहेगा, ये stages हैं development की, ठीक है। तो वहां से ये question रहा है, तो development के principles आपने अच्छे से करना, development के principles आपको भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं। 23rd क्वेश्चन, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज, यानी आप कह सकते हैं कि मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी फिट करना, कह सकते हैं जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा रहता है उसमें आप नई इंफॉर्मेशन को जब आप फिट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एकोमोडेशन, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके दिए गए हैं जो आपकी उन्होंने प्याजे ने अपने कंसेप्ट्स दिए हैं, डोमेन्स आप कह सकते हैं, कंसेप्ट कह सकते हैं प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी में, जिसमें उन्होंने स्कीमा कंसेप्ट के बारे में बताया है, एसिमिलेशन बताया है, एकोमोडेशन बताया है, इक्विलिब्रेशन बताया है, तो वहां से ये क्वेश्चन आया है। तो आपको ऑप्शन है और आपकी जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका एसिमिलेशन, यानी एसिमिलेट करना चीज़ों को, पुरानी नॉलेज में जब नए चीज़ों को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं उसको एसिमिलेट करते हैं। 24th क्वेश्चन है, द कंडीशनल स्टिमुलस इन पावलोव्स कंडीशनिंग इज, जो आपकी पावलोव की जो कंडीशनिंग में आपके सशर्त उत्तेजना है उसको क्या कहते हैं, वो क्या है, ठीक है। कंडीशनल स्टिमुलस इन, जो कंडीशनल स्टिमुलस है आपका पावलोव की कंडीशनिंग जो थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, उसमें कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, बेल, फूड, सलाइवा या आपके नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि पावलोव ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था जिसको उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया था, और उसमें जो आपके कंडीशनल स्टिमुलस है वो उसका नाम दिया गया बेल को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 25th क्वेश्चन है, तो गेस्टाल्ट इज, तो गेस्टाल्ट का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपका आर्ट्स में मींस की नॉन मेडिकल पेपर में भी यही क्वेश्चन रहा, आर्ट्स के पेपर में भी यही क्वेश्चन रहा, और सेम ईयर में मतलब जब आपका पेपर हुआ था अगस्त में 2020 में, उस टाइम पे ही यही क्वेश्चन नॉन मेडिकल में रहा और यही क्वेश्चन आपका आर्ट्स में, क्योंकि आर्ट्स वाला पेपर हमें अभी हमने इससे पहले, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि ऑप्शन है एज अ होल, एज अ चेंज,
एज अ मशीन एज अ बिहेवियर, ये आपके ऑप्शंस हैं। जो आपका राइट आंसर है गेस्टाल्ट क्या है, तो वो है एज अ होल, ठीक है, गेस्टाल्ट इज एज अ होल। तो एज अ होल क्या है, आप समग्र रूप से क्या है, गेस्टाल्ट को कहा जाता है, ठीक है। 26 क्वेश्चन पे आते हैं, हु सेड लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन, तो किसने कहा है भाषा सोच पर आधारित है, तो वाइगोस्की, प्याजे, वॉटसन या बैरन ने किसने कहा है कि जो लैंग्वेज है वो बेस्ड है किस पे, थिंकिंग पे। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आज वाले पेपर में, सेम यही क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, उसमें आया था कि जो बच्चा है वो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज उसमें जन्मजात से रहती है, मीन्स जब वो जन्मजात बर्थ से रहती है, या आप कह सकते हैं कि वो शुरू से लैंग्वेज के साथ सीख के ही आता है। तो ये क्वेश्चन रहा था, इस बार थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज किया है। तो आपके जो राइट ऑप्शन है, वाइगोस्की, प्याजे, वॉटसन, बैरन, किसने कहा है कि लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग, आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। वाइगोस्की ने कहा है कि लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग, लैंग्वेज जो है पे बेस्ड रहती है, आपकी थिंकिंग पे बेस्ड रहती है। ओके, सो सॉरी, ये जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्याजे ने स्टेटमेंट के बारे में कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्याजे, वाइगोस्की नहीं रहेगा, प्याजे इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका राइट आंसर 26 का, प्याजे। ओके, सो 27 क्वेश्चन पे आते हैं। 27 क्वेश्चन है, द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ एंड अदर्स इज कॉल्ड, यानी आप कह सकते हैं कि समय की तथा दूसरों की भावनाओं एवं संवेगों को समझने तथा उनमें विभेद करने की जो क्षमता है उसको क्या कहा जाता है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता है। तो क्वेश्चन है आपका कि जब व्यक्ति खुद की दूसरों की आप फीलिंग्स और इमोशंस को समझता है या डिस्क्रिमिनेट करता है तो उसको क्या कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन सेम आया था आपका आर्ट्स में, जो आपका अगस्त 2020 में आपका एग्जाम होता है उसमें भी यही क्वेश्चन सेम रहा था। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 पीएफ इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो जो 16 पीएफ आपका टेस्ट है उसका उपयोग मेजरमेंट किसके लिए की जाती है, क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट के लिए, पर्सनालिटी के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए, तो किसके लिए 16 पीएफ टेस्ट का यूज किया जाता है, तो जो आपका 16 पीएफ टेस्ट है वो दिया था आपके कैटलिंग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका रहता है, 16 पीएफ टेस्ट जो है वो किसने दिया था, ये कैटल ने कौन सा टेस्ट दिया था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके रहते हैं। और जो आपका राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका पर्सनालिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पर्सनालिटी पे की मेजरमेंट करता है, कौन करते हैं आपके, आपका जो 16 पीएफ टेस्ट है मेजरमेंट का उसमें, ठीक है। ये था क्वेश्चन 16 आपका, ये था 28th क्वेश्चन था आपका। 29th क्वेश्चन पे आते हैं, ड्राइव थ्योरी इज रिलेटेड विद, तो जो आपकी ड्राइव थ्योरी है वो किसके साथ संबंधित है, लर्निंग के साथ संबंधित है, इंटेलिजेंस के साथ संबंधित है, मोटिवेशन के साथ संबंधित है, आपकी पर्सनालिटी के, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो दी थी आपकी हल ने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। और ये जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपकी मोटिवेशन से, ये संबंधित, ठीक है, ये थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो मोटिवेशन एंड थॉट वाला आपका टॉपिक है आपका सीडीपी के सिलेबस में, उसमें ये थ्योरी रहती है। ओके, सो 28 क्वेश्चन था ये, 29 क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के हम। हु डेवलप्ड द थीमेटिक एप्रिसेप्टिव टेस्ट, जो टीएटी टेस्ट जिसको कहते हैं, वो किसने डेवलप किया है, डेवलप किसने किया है थीमेटिक एप्रिसेप्टिव टेस्ट, किसने किया है, मॉर्गन ने किया है, एडवर्ड ने किया है, आपके मुरे एंड मॉर्गन ने किया है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, थीमेटिक एप्रिसेप्टिव टेस्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीडीपी के एग्जाम में, जहाँ पे भी सीडीपी रहती है। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मुरे एंड मॉर्गन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, थीमेटिक एप्रिसेप्टिव डेवलप्ड बाय तो मुरे एंड मॉर्गन, ठीक है। तो ये आपका राइट हो गया। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, और कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए और समझ में भी आए होंगे कि मैंने इसके ऑफिशियल आंसर के हिसाब से आपको राइट आंसर्स बताए हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरीज इसमें रही हैं आज की हमारी, जिसकी स्किनर की थ्योरी, पावलोव से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, पावलोव से पूछे हैं। ओके, स्किनर से आपका क्वेश्चन आया है,
ठीक है, पियाजे से आपके दो क्वेश्चन आए हैं। एक तो आपको पूछा था कि लैंग्वेज, जो लैंग्वेज लर्निंग है बच्चे में, जो लैंग्वेज है उसमें बच्चे की थिंकिंग रहती है, तो ये क्वेश्चन आपका आया था। पियाजे से आपके दो क्वेश्चंस रहे हैं इस बार। एक तो आपको पियाजे की, उन्होंने कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे थे, इसमें उन्होंने एग्जिस्टिंग स्कीमा की बात की थी। उसके बाद आपके आपके क्वेश्चन आए थे कोलबर्ग से, नहीं थोर्नडाइक से, थोर्नडाइक से आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, थोर्नडाइक से आपका क्वेश्चन रहा था। उसके बाद आप इंटेलिजेंस से आपके, आईक्यू से आपके दो क्वेश्चन रहे थे। आईक्यू से दो क्वेश्चन कैसे रहे थे, एक तो आपके से पूछ लेते, एक आपका आईक्यू से पूछ लिया था। आईक्यू में क्वेश्चन था आपका कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या, और दूसरा क्वेश्चन था आपका आईक्यू का कंसेप्ट नहीं, फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था। ठीक है, यूज बाय, ये क्वेश्चन आपका रहा था। ठीक है, तो आईक्यू क्वेश्चन रहे थे इस बार, और आपके क्वेश्चन मेथड से आपके क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, मेथड से आपके क्वेश्चन आए, जिसमें आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड से क्वेश्चन आया, आपका ऑब्जर्वेशनल क्लिनिकल, जो मेथड्स हैं ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन लर्निंग डिफिकल्टीज, लर्निंग डिफिकल्टीज से आपका क्वेश्चन रहा था, और आपकी पैडागोजी से क्वेश्चन रहे थे। ठीक है, ठीक है, पैडागोजी से आपके क्वेश्चंस रहे थे, जिसमें आपकी कोग्निशन पे क्वेश्चन आया था, आपके इमोशन से क्वेश्चन आया था, ठीक है, लैंग्वेज से क्वेश्चन आया था, ठीक है, थॉट से क्वेश्चन आया था, मोटिवेशन से क्वेश्चन आया था। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक आपके क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपके क्वेश्चन आया था, आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और भी कई सारे क्वेश्चंस थे। थीमेटिक एप्रिसेप्टिव टेस्ट से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, 16 PF टेस्ट से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये दोनों टेस्ट जो थे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, हल्की थ्योरी से, ड्राइव थ्योरी से क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो आपकी किस पे बेस्ड है, मोटिवेशन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे, और भी कई सारे ऐसे कंसेप्ट क्वेश्चन आपको आए। ओके, वाइगोस्की से क्वेश्चन आपका इस बार नहीं रहा था, और भी कई साइकोलॉजिस्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा है, तो डिटेल में आपको करवा दिया, वीडियो देख के आपको और समझ में आ जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चंस के रहे हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जहाँ से आपको हर बार देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, इनके बारे में पढ़ना शुरू कर देने हैं जो नवंबर 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आपके फॉर्म्स आने वाले, फॉर्म्स फिल होंगे, और आपके एग्जाम के लिए सिर्फ आप 1 से 1.5 महीना अब आपका रह चुका है। अगर जो शेड्यूल दिया था आपका एग्जाम का, उस शेड्यूल के हिसाब से आपका पेपर रहेगा, तो 26 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि CDP का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसमें आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन की ज़रूरत रहती है, तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। तो आप ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स HPDGT कमीशन एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं और नॉन मेडिकल का एग्जाम है, तो उनके लिए सेकंड ऑनलाइन बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, ये आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स ने बैच नहीं लिया है और वो लेना चाहते हैं, तो जल्दी से आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा बैच स्टार्ट हुआ है वो हुआ है आपका HPDGT कमीशन का बैच, ये आपका 5th ऑनलाइन बैच जो है वो 28 सितंबर से आपका हुआ है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ये बैच परचेज नहीं किया और परचेज करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पे जाके आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना बैच परचेज कीजिए। जिनको समझ में नहीं आएगी कैसे बैच परचेज करना है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और आपने नोट डाउन भी, आपने इनको साथ साथ में करते चलना है। मिलेंगे बहुत ही जल्द आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।